गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर एक हम पढ़ रहे थे, ठीक है? क्या, कब और कैसे, इसमें हम आज शुरू करते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, और हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी यही दो शब्द है। एक तो हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरा भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस यूनानी शब्द है, ठीक है, और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। अर्थात हमारा जो भारत है उसका जो नामकरण है वो इनके आधार पर हुआ है, जो इन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक जो 3500 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राचीन जो हमें लेख मिले हैं, जो ताड़पत्र मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उनके आधार पर हम हमारे जो अतीत है उसका पता कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अर्थात ये जो पुस्तकें होती थी ये हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, क्योंकि पहले इतना विकास नहीं हुआ था। आजकल तो मशीनें हैं जिनके माध्यम से जैसे किताबें होती हैं उनको छापा जाता है, लेकिन पहले ऐसे छापे खाने नहीं थे तो हाथ से लिखी जाती थी, तो उनको पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगले वाले भुर्ज नामक भेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर की जाती थी। अर्थात पहले क्या, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो ताड़पत्र थे उन पर लिखा जाता। देखिए ये जो पांडुलिपि है उसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से इन पर लिखा गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। मंदिर और विहार, विहार जहाँ पर वो जो जैसे बौद्ध भिक्षु वगैरह जो रहते थे वो विहार कहलाते थे। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अर्थात ये जो पुस्तकें हैं, ये जो पांडुलिपियाँ हैं, इनमें हर प्रकार के जीवन की दशाएं प्राप्त होती है। जैसे राजाओं का जीवन कैसा था, ठीक है, धार्मिक जीवन कैसा था, औषधियाँ और विज्ञान के क्षेत्र कैसे थे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ एवं नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए पहले जो बोलचाल की जो भाषा थी वो शुरू में संस्कृत थी, उसके बाद में फिर जो भाषाएं हैं वो विकसित हुई थी। तो अधिकतर जो भाषाएं प्राकृत या जो संस्कृत भाषा थी या जो तमिल जो क्षेत्र था उसमें ये भाषाएं प्रयोग की जाती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। हम देखते हैं तो जैसे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो भी स्तंभों पर अपने लेख लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। तो इनको पढ़कर भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा जाता था। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे उनके जो युद्ध थे, उनकी जो विजय थी, उनके बारे में इन पर लिखा जाता था।
जैसे लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंदार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम कक्षा 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ भी लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब तक कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम जब भी अपने जो विचार है उनका विनिमय करते हैं तो एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, अर्थात जो वस्तुएं प्राचीन काल से संबंधित थी तो उनका अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ मिली है, जो अवशेष मिले हैं, जो चित्र मिले हैं, जो ईंटें मिली हैं, ठीक है, उनको ये इनका अन्वेषण करते हैं, इनको चेक करते हैं और उसके आधार पर फिर ये बताते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अर्थात जो प्राचीन में जो पुरातत्वविद होते हैं वो अलग अलग तरीके से जानकारियाँ जुटाते हैं कि किस तरीके से जो प्राचीन समय था उसमें लोग खाते थे, किस तरीके से वो अपनी जो जीविका वो चलाते थे। ये देखिए, ये बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था और एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला है। तो ये देखिए सिक्कों की आकृति किस प्रकार की है, ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो पुराने समय का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात कोई भी छोटी से छोटी वस्तु या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो हमें प्राप्त होती है पुराने ज़माने की, उनका अध्ययन कर लिया जाता है और अध्ययन करके फिर हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अतीत एक या अनेक, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में क्या ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अतीत है वो किसी एक मानव का नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति का है। अलग अलग जगह, अलग अलग स्थितियों में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। अर्थात जितने भी समाज के जो लोग थे उनमें अलग अलग वर्ग थे और अलग अलग वर्गों के जो लोग थे उनका जीवन भी अलग अलग तरीके से था। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके अथवा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो समुद्री जो प्रसंस्करण है जैसे मछलियाँ वगैरह है उनको प्राप्त करके अपना जीवन चलाते हैं। वहीं अगर हम मैदानों की बात करेंगे या जो शहरों की बात करेंगे तो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो खाद्य सामग्री है वो उन्हें गाँवों से प्राप्त होती है। तो इस तरीके के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब ये जो भेद हम वर्तमान समय में देखते हैं ये पुराने समय में भी थे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अर्थात जो राजा महाराजा या जो उच्च वर्ग था वो तो इन जो लेख थे इनका उपयोग करते थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी मिलती है, जबकि और जो निम्न वर्ग था जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक आदि, इनके बारे में कम जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इस बारे में कुछ जानना शेष है। अर्थात हम जानकारी तो जुटा पाए लेकिन अभी भी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे का अध्ययन हम कल करेंगे।